नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मांबे न्यूज। आज आपको उस सदी के एक्टर से मिलाने जा रहा हूं जिस समय खोटा का एक ट्रेंड चला हुआ था और सबसे ट्रेंड गाना मोरा 18 साल हो गए रे और स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे जिसने एक्ट किया था वो आज कलाकार हमारे साथ है, उनसे मिलाएंगे और वो आज इटखोरी महोत्सव में शिरकत किए हैं। उनसे डायरेक्ट मिलाते हैं और जानते हैं कि माता भद्रकाली की नगरी इटखोरी में आके उन्हें आज कैसा लगा। सबसे पहले मांबे न्यूज को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। सर, आज राजकीय इटखोरी महोत्सव में आज शिरकत करने आए, आपका वो दो गाना मुझे खुद अपने समय में बहुत याद है, वो गाना आप लोग का बहुत हिट हुआ था, उसके बारे में पहले दो बात बता। सबसे पहले वो दो गाने की वजह से मुझे एक ऊंचाई पे बैठा दिया गया और आज मुझे लोग लगभग पूरे लोग हमें प्यार करते हैं। मोर 18 साल हो गया, चाहे स्कूल के टेम पे, ऐसे तो मेरे 5000 सॉन्ग है लेकिन ये दो चार गाने मेरे आइडेंटिटी बन गए, वो तो 18 साल वाला और स्कूल टेम वाला, तो अच्छा लगता है, लोगों का प्यार पाके बहुत खुशी मिलती है कि हम जो चाह रहे थे वो हमें मिला है, वो प्यार सम्मान पब्लिक से हमें बहुत मिलता है। आज राजकीय इटखोरी महोत्सव में आपने शिरकत किया और उस गाने को फिर से आपने दोहराया उस मंच पे, तो ये कैसा आपको लगा इसके बारे में? सबसे पहले वो यादें कुछ पुरानी हो गई थी, मैं सोचा इस मंच के माध्यम से यादों को ताजा कर दें और यहाँ के डीसी साहब, यहाँ के मंत्री साहब भोक्ता सर विनोद भोक्ता जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इस बड़े मंच पे हमें बुलाए और सम्मान दिए, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम इटखोरी महोत्सव में आया और लेकिन कुल मिलाकर मुझे बहुत आनंद आया सभी से। मैं खास करके माता भद्रकाली के बारे में पूछना चाहूंगा, आप वहाँ पूजा किया? जी बिल्कुल, आने के साथ बिना खाए हम लोग पहले पूजा किए, उसके बाद खाने का व्यवस्था था डीसी की तरफ से, अपन खाना खा के फिर ड्रेसअप हुए फिर मंच पे आए और भद्रकाली आप सभी पे अपनी कृपा बरसाए, थैंक यू सो मच। माता भद्रकाली की प्रतिमा को देख के आपको कैसी अनुभूति हुई? अब भगवान का बखान क्या, अगर हम तो उनके बच्चे हैं, उनके जो तेज है मतलब मेरे बोन्स रोए खड़े हो गए थे, मैं मतलब इमोशनल हो गया वहाँ पे। माता का आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एहसास शिवलिंगन का भी दर्शन किया होगा आपने? हाँ नहीं, 1008 शिवा मेरे विराजमान है। अरे वाह, नहीं मैं तो आज बहुत बिजी शुरू में बस माता रानी का इटखोरी माता भद्रकाली जी का दर्शन किया और काफी प्रेशर था ना कि चलो चलो जल्दी चलो दैन, लेकिन मैं फिर आऊंगा, बहुत अच्छा लगा। इटखोरी महोत्सव में आप दोबारा आना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहेंगे, इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत अपना सा लग रहा है कि बहुत अच्छा। खैर ये झारखंड है अपना, तो मेरा पूरा झारखंड है, मुझे तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंडमान और वेस्ट बंगाल में तुलिन जालदा पुरलिया सभी लोग प्यार करते हैं, प्लीज आप लोग ऐसे ही मेरे पे प्यार बनाए रखिए, मैं अपना बेस्ट और बेस्ट और बहुत बेस्ट देने वाला हूँ, थैंक यू सो मच। और मेरी फिल्म आ रही है जोरम, तो प्लीज 3-4 महीने में वो फिल्म आ जाएगी, मनोज वाजपेयी है और जी सिनेमा पे रिलीज हो रहा है, सिनेमा हॉल जरूर जाएं और हमारे पिक्चर को देखें, थैंक यू सो मच। अभी अभी मैंने मिलाया उस एक्टर से रमन गोयल जिन्होंने मोरा 18 साल हो गए रे स्कूल के टाइम पर जैसे सुपर हिट गानों पर उन्होंने एक्टिंग किया था और अपने उस एक्टिंग का लोहा मनवाया था। उस समय नागपुरी का एक ट्रेंड चला हुआ था जिस समय नए नौजवानों के मुंह में और उनके जवान पर सिर्फ दो गाने वही गाने बैठे हुए थे और वो गानों में अपनी भव्यता को दिखाया। आज इटखोरी महोत्सव पहुंचकर इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, माँ का दर्शन करके सबसे अद्भुत महसूस हुआ। तो ऐसे ही एक्टरों से मैं राजकीय इटखोरी महोत्सव आप सब उधर रूबरू कराता रहूंगा, बने रहें और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद।